लाफ्लांक्स लॉ जो है वो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, बल्कि सारे लॉज हैं जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड हैं उनको स्टडी किया था हमने, उनके फार्मूले भी जो है वो राइट डाउन किए थे। नाउ वी विल ड्राइव दीज फार्मूलाज के ये जो फार्मूले हैं इनको आप किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो प्लांक्स लॉ है, इससे हमने जो वीन्स लॉ है उसको ड्राइव करके देखने। तो आर ऑफ लैम्डा जो है आपके पास, ये 2πhc² डिवाइडेड बाई लैम्डा 5 1/e^hc के बीटा टी लैम्डा के बीटा टी -1 के बराबर है। अच्छा, अब लैम्डा मैक्सिमम वीन्स लॉ के अंदर क्या आता है, लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, इसको कहले डेरिवेशन फ्रॉम प्लांक्स लॉ। तो लैम्डा मैक्सिमम जिसके ऊपर के स्पेक्टर रेडियंसी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, तो हम इसको कहेंगे कि d/d λ आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका चूंकि मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है तो इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट से स्पेक्टर रेडियंसी का डेरिवेटिव जो है वो ले लें। तो ये आप डेरिवेटिव लेंगे तो d/d λ इसके अंदर ये वैल्यू जो है वो सब्सिट्यूट करें 2πhc² लैम्डा 5 1/e^hc लैम्डा के बी टी -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है, और ये वैल्यू किसके ऊपर है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव लेते हुए आप देखें यहां पर लैम्डा 5 आ रहा है और इधर भी लैम्डा की टर्म जो है वो आ रही है, तो इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट रूल जो है डिफ्रेंसिएशन का वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्ट रूल आप इसके ऊपर लगाएंगे तो e^hc लैम्डा के बी टी -1 का इनवर्स, इस टर्म को मैंने -1 करके यहां पर राइट डाउन कर दिया, और d/d λ 2πhc² लैम्डा की पावर -5। ठीक है जी, इसी तरह इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2πc² h लैम्डा -5 को ऐसे ही रहने देंगे और d/d λ इंटू e^hc लैम्डा के बी टी -1 पावर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल जो है मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब आपने इनका डेरिवेटिव जो है वो लेना है, तो डेरिवेटिव इसका लेंगे ये तो -5 2 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10πc² लैम्डा -6 h मल्टीप्लाई बाई e^ लैम्डा hc लैम्डा के बी टी
ई लैम्डा के बी टी माइनस वन की पावर माइनस वन आ गया, ठीक है। और यहां से इसका ये माइनस वन नीचे आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस माइनस वन, ठीक है, ये आ जाएगा। और ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन की पावर, ये माइनस टू हो जाएगी, ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगी, और साथ में इसके आ जाएगा ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी एच सी ओवर लैम्डा के बी टी माइनस लैम्डा स्क्वायर और टू पाई सी स्क्वायर एच लैम्डा की पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये माइनस वन आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आएगा, इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ आएगी, फिर इसके अंदर लैम्डा है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन ओवर लैम्डा स्क्वायर आएगा। अच्छा, आप अगर हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा माइनस टेन पाई सी स्क्वेयर एच डिवाइडेड बाय लैम्डा सिक्स, इसको इसके नीचे आया लैम्डा सिक्स के, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वन ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन के बराबर आ जाएगा प्लस टू पाई सी क्यूब एच स्क्वेयर डिवाइड बाई लैम्डा सेवन के बी टी इंटू वन ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन का स्क्वेयर, और इसके साथ एक टर्म आ जाएगी ई एच सी लैम्डा के बी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इस इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, इसको ऊपर ले गए हैं तो ये वो लैम्डा माइनस का स्क्वायर हो गया, तो पावर को मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आप अगर मैं, क्योंकि ये जो टर्म आ रही है एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, ठीक है, इसको अगर मैं बीटा के बराबर ले लूं, एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, इसको अगर बीटा के बराबर आप ले लें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस टेन पाई सी स्क्वेयर एच डिवाइडेड बाय लैम्डा सिक्स वन ओवर ई की पावर बीटा माइनस वन, इसकी जगह पर बीटा पावर जो है ये इसको हमने ले लिया, इसकी जगह ई की पावर बीटा माइनस वन जो है उसके बराबर आ जाएगा। प्लस एच सी ई की पावर लैम्डा के बी टी और डॉट टू पाई सी क्यूब एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लैम्डा सेवन के टी के बी टी वन ओवर ई की पावर बीटा माइनस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, जहां पर वो थी इसको बीटा को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है,
और आप इसको मजीद फर्दर अगर सिंपलीफाई करें तो टेन पाई सी स्क्वायर एच लैम्डा सिक्स वन ओवर ई की पावर बीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू पाई सी क्यूब एच स्क्वायर लैम्डा सेवन के बी टी वन ओवर ई की पावर बीटा माइनस वन का स्क्वायर और ई की पावर बीटा, ये जो साथ आ रही थी इसको भी हमने ई की पावर बीटा जो है वो कह दिया। यहां पर माइनस आ रहा था तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस उस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से फर्दर आप करें तो देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें को कैंसिल होती हैं, ये इससे कैंसिल होगा, पाई पाई से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा और यहाँ से ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल होने के बाद क्या आएगा आपके पास, फाइव ओवर ई बीटा माइनस वन इज इक्वल टू एच सी लैम्डा के बी टी e की पावर बीटा माइनस वन का स्क्वायर। अब ये यहां पर भी क्या चीज है, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है। ठीक है, तो फाइव e की पावर बीटा माइनस वन बीटा ई की पावर बीटा ई की पावर बीटा माइनस वन। अच्छा, ये एक दफा इससे कैंसिल हो जाएगा तो फाइव बीटा ई की पावर बीटा e की पावर बीटा माइनस वन। तो आप इसको अगर मैं उल्टा दूं, ठीक है, इसको इस तरफ ले आऊं, फाइव ओवर बीटा पहले इसको इस तरफ ला के e की पावर बीटा e बीटा माइनस वन और इसको उल्टा दूं तो e की पावर बीटा माइनस वन e की पावर बीटा इज इक्वल टू बीटा ओवर फाइव। क्या किया इसको, उल्टा दिया इक्वेशन, बस और कुछ नहीं किया। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो है ये बन जाएगा e बीटा वन वन माइनस वन ओवर e बीटा दैट इज इक्वल टू बीटा ओवर फाइव। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं वन ओवर ई की पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा ओवर फाइव। अब रीरेंज कर लें, इसको रीरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा प्लस बीटा ओवर फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन जो है ये बीटा की फॉर्म में है, इसको हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह तो सॉल्व होगी नहीं, यानी कि इसकी न्यूमेरिक्स करनी पड़ेगी, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो राइट डाउन कर देता हूँ जो इसको प्लाट करने से आता है इस इक्वेशन को, वो आता है बीटा इज इक्वल टू फाइव
ठीक है, इस इक्वेशन को जब प्लॉट किया जाता है तो बीटा 5 के बराबर आता है। अब बीटा की वैल्यू जो आपने ली हुई है वो है एट सी लैम्डा के बी टी, ठीक है, और यहां पर लैम्डा कौन सा है मैक्सिमम, क्योंकि आपने जीरो के बराबर लिखा रखा था, इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज जो है वो किया था। अब यहां पर बीटा किसके बराबर आ गया, 5 के, तो 5 एच सी लैम्डा मैक्सिमम के बी टी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू एच सी ओवर 5 के बी। ठीक है, नाउ इसके अंदर इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट करें, तो लैम्डा मैक्सिमम टी 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड इनटू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 5 इनटू 1.38 × 10⁻²⁷ जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होगी, इन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 0.0029 मिली केल्विन निकलेगा। ठीक है जी, तो ये कौन सा लॉ निकल आया, वीन्स लॉ। तो प्लैंक्स लॉ की मदद से आपने वीन्स लॉ को ड्राइव कर लिया, इसका मतलब है कि प्लैंक्स लॉ फिट है वीन्स लॉ के लिए। अच्छा जी, उसके बाद अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये जितने पहले हमने 3 लॉ पढ़े थे ये सारे के सारे लॉ जो हैं इनको ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, तब भी हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि प्लैंक्स लॉ जो है वो इन सारे लॉज को, एक ही लॉ जो था उसके अंदर सारे लॉ जो थे वो डिस्क्राइब हो रहे थे, ठीक है, जो शॉर्ट वेव लेंथ को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो लॉन्ग वेव लेंथ को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो ये बात भी बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसकी 4th पावर का एनर्जी के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमने देखना है वो डिडक्शन देखनी है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। डिडक्शन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। तो यहां पर भी उसी तरह आपको प्लैंक्स लॉ पहले लेना पड़ेगा। तो प्लैंक्स लॉ क्या है कि आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2πc²h डिवाइड बाई लैम्डा 5 1/e⁻ht लैम्डा के बी टी -1, ये प्लैंक्स लॉ है। और जो रेडिएंट इंटेंसिटी होती है हमारे पास
I of t, that is equal to 0 to infinity r of lambda d of lambda. ये फार्मूला पड़ा हुआ है का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ लैम्डा डी एफ। अब इसके अंदर आर ऑफ लैम्डा की वैल्यू जो है उसको सब्सिट्यूट कर दें, तो आई ऑफ टी जीरो टू इन्फिनिटी टू पाई सी स्क्वेयर एच लैम्डा फाइव वन ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन, d of lambda। तो यहां से अब ये 2 पाई सी स्क्वायर एच कॉमन निकल आएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये कांस्टेंट है, तो 0 से इंफिनिटी 1 ओवर e की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन d lambda over lambda 5। वो 2 पाई सी स्क्वायर एच को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं हो रही। नाउ अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी। आप ये सपोज करें कि x जो है वो h ओवर एच सी ओवर लैम्डा के बी टी के बराबर है, तो ये एक्स वेरिएबल मैंने इसके बराबर जो है वो ले लिया। अब यहां पर इसको जब डी एक्स करूंगा तो माइनस एच सी लैम्डा स्क्वायर के बी टी ये आ जाएगा, ठीक है, और साथ में डी ऑफ लैम्डा आ जाएगा डिफरेंशियल एरिया। अब अगर यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स क्यूब से दोनों साइडों के ऊपर, तो एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, और इसके अंदर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो x क्या है मेरे पास माइनस एच सी ओवर लैम्डा के बी टी का क्यूब एच सी ओवर लैम्डा के बी टी डी ऑफ लैम्डा। यही है। अब आप इसका क्यूब जो है उसको ओपन कर दें, क्यूब को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब डी एक्स माइनस एच क्यूब सी क्यूब लैम्डा क्यूब के क्यूब बी टी क्यूब एच सी लैम्डा के बी टी डी ऑफ लैम्डा। तो अब से सारी पावर फोर हो जाएगी इनकी, तो एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एच फोर सी फोर लैम्डा फोर के फोर बी टी फोर डी ऑफ लैम्डा। क्या हुआ लैम्डा का, ओ सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर है, ये लैम्डा फाइव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर भी ये इधर रखी थी ना, ये लैम्डा स्क्वायर ये आएगी ना, ठीक है, लैम्डा क्यूब लैम्डा, अब ठीक हो गया। न
नाउ अब आप इसके अंदर से जो डी लैम्डा ओवर लैम्डा फाइव है इसकी वैल्यू निकाल लें, तो डी लैम्डा ओवर लैम्डा फाइव, ठीक है, इसकी वैल्यू निकलेगी तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस के फोर बी टी फोर एच फोर सी फोर एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपके पास जो रेडियंट इंटेंसिटी का फार्मूला है ये वाला, इसके अंदर ये वैल्यू निकल आई है किसकी, डी लैम्डा ओवर लैम्डा फाइव, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टू पाई सी स्क्वेयर के फोर बी टी फोर डिवाइडेड बाय एच फोर सी फोर जीरो से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर जो जीरो टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई एक्स माइनस वन ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू होती है पाई फोर ओवर फिफ्टीन के बराबर। इसको भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है जीरो से इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू पाई फोर ओवर फिफ्टीन। किधर, इधर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास यहां पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई ओवर पाई फोर ओवर फिफ्टीन, ठीक है, इस इंटीग्रल की। अच्छा, इसको पुट करने से पहले अब हमें पता है कि जो एक्स है आपके पास वो एच सी ओवर लैम्डा के बी टी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कंडीशन लूं कि अगर इफ लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी, अगर लैम्डा इन्फिनिटी होता है तो एक्स एच सी इन्फिनिटी के बी टी, तो वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है, जीरो। तो इसका मतलब है कि ये एक्स जो है यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि इफ लैम्डा गोज टू जीरो, ठीक है, अगर लैम्डा जो है वो जीरो है तो यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करें एच सी जीरो के बी टी तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, ठीक है जी। तो अब यहां से समझ आ गई कि हमने क्यों लिमिट जीरो से इन्फिनिट तक ली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इधर, ये जीरो से इन्फिनिट तक, अब इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, उसको सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा टू पाई एच सी स्क्वेयर के फोर बी टी की पावर फोर एच फोर सी फोर मल्टीप्लाई बाई पाई फोर ओवर फिफ्टीन।
अच्छा यहाँ पर ना एक स्टेप आपने कर लेना है कि ये थी लिमिट जा रही थी इन्फिनिट से, जो हमने निकाल लिया इन्फिनिट से ज़ीरो की तरफ, ठीक है। तो इसको एक स्टेप आगे कर लेना है कि ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 2 πh² k4b(t4h4c4). जब मैं इसको लिमिट को चेंज करूँगा 0 से इन्फिनिटी, तो x³dx(ex−1) वो माइनस उसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए इसके ऊपर, यहां पर आप इसको अगर हम सॉल्व करें तो I(t)=2π(5KB)4 ÷15h³c²(t4). तो अब ये रेडियन इंटेंसिटी जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल आई है किसके, T4 के। अब ये सारा तो इसके अंदर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, के बी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, एच की भी और सी की भी, ये तो सारा जो है इधर ये कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये सारा जो कांस्टेंट है ये सिग्मा है, जिसको आप कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2π(5KB)÷15h³c²। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन मान गई I(t σ)T4, ठीक है जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और यहां पर जो ये इसका कांस्टेंट है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सिग्मा जो है ये 2π(5KB)4÷15h³c²² के बराबर है। तो इसमें वैल्यूज रखें 2 × 3.14^5, 1.38 × 10⁻²³, ठीक है, 15 6.63 × 10⁻³ और 3 × 10⁻¹² ये सारा कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा σ = 5.678 × 10⁻¹² वाट मीटर स्क्वेयर केल्विन 4। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये निकल आएगा वीन्स फार्मूला फ्रॉम प्लांक्स लॉ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है वो देखना है डिडक्शन ऑफ रिलीजन। अभी दो फार्मूले जो हैं उनको हमने ड्राइव करके देख लिया है, वीन्स वाला फार्मूला भी ड्राइव करके देख लिया है और बोल्ट्जमैन वाला, यानी कि ये जो प्लांक्स लॉ इसके अंदर सारे लॉज जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है डिडक्शन ऑफ रिलीजन्स लॉ। फ्रॉम प्लांक्स लॉ। तो यहां पर भी उसी तरह हमें पहले प्लांक्स लॉ जो है उसको लेना पड़ेगा, R(λ)=2πc²h(λ)5(1/λ)KBT−1।
वन। यहां पर पुट करें एक्स को एट सी लैम्डा के बी टी, तो आर ऑफ लैम्डा टू पाई सी स्क्वेयर एच लैम्डा फाइव वन ओवर ई एक्स माइनस वन आ गया। तो अगर लैम्डा जो है वो इन्फिनिटी हो, इफ लैम्डा इन्फिनिटी, तो फिर ये सारी टर्म किसको जाएगी, जीरो को। तो एच सी ओवर लैम्डा के बी टी गोज टू जीरो। तो इसका मतलब है कि ये फिर जो यहां पर हमारे पास टर्म आ रही है ये ई एक्स, इसको आप ओपन कर सकते हैं इस कंडीशन के तहत कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन फॉर स्मॉल, किसी स्मॉल एक्स वैल्यू के लिए मैंने इसको ओपन किया है। तो अगर स्मॉल वैल्यूज है एक्स की, तो फिर ये हायर टर्म्स जो हैं इनको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे और पीछे हमारे पास ई एक्स जो है तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स और हायर टर्म्स निगलेक्टेड। ठीक है जी, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं एक्स की, तो एक्स ई एक्स माइनस वन फॉर लार्ज लैम्डा, आर ऑफ लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू, इसमें अब एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई है, ई एक्स माइनस वन के, तो ये आ जाएगा टू पाई सी स्क्वेयर एच ओवर लैम्डा फाइव वन ओवर एक्स, और एक्स किसके बराबर है, एच सी ओवर लैम्डा के बी टी के, आर ऑफ लैम्डा टू पाई सी स्क्वेयर एच लैम्डा फाइव वन ओवर एच सी ओवर लैम्डा के बी टी। ठीक है जी, तो इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा आर ऑफ लैम्डा टू पाई सी स्क्वेयर एच लैम्डा फाइव लैम्डा के बी टी ओवर एच सी, कैंसिल हो जाएगा और आर ऑफ लैम्डा आपके पास आ जाएगा टू पाई सी के बी टी ओवर लैम्डा फोर, ये आपके पास रेलेजन लॉ है। ये लैम्डा भी यहां से एक दफा कट गया। ठीक हो गई जी बात। तो अब ये तीसरा लॉ भी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक जो वीन्स लॉ एक और तरीके से भी जो है वो रिड्यूस हो सकता है इस प्लांक्स लॉ से, उसको भी हम देख लेते हैं। सर जब आएंगे तो मुझे बता देना। तो डिडक्शन ऑफ वीन्स लॉ फ्रॉम प्लांक्स लॉ, तो ये फिर उसी तरह प्लांक्स लॉ आपको यूज करना पड़ेगा, आर ऑफ लैम्डा
टू पाई सी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय लैम्डा फाइव वन ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी माइनस वन। ठीक है, इसमें आप कंसिडर करें कि सी वन जो है वो बराबर है टू पाई सी स्क्वायर एच के और सी टू बराबर है एच सी ओवर के बी के, और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो आर ऑफ लैम्डा सी वन ओवर लैम्डा फाइव वन ओवर ई की पावर सी टू लैम्डा टी माइनस वन। ठीक है, ये बन जाएगा। और अब आपको पता है कि वीन्स लॉ किसके लिए होता है, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, और रेलेजन लॉ था फॉर लॉन्गर। तो वो पीछे हमने लॉन्गर वेवलेंथ की अप्रॉक्सिमेशन लगाई थी, तो यहां पर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ है तो ई की पावर सी टू ओवर लैम्डा टी इज मच मच ग्रेटर देन वन, ये इससे बहुत बड़ी है। तो अगर ये इससे बहुत बड़ी है तो फिर वन को इसके अंदर निगलेक्ट कर देंगे, तो आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू सी वन ओवर लैम्डा फाइव वन ओवर ई की पावर सी टू ओवर लैम्डा टी। आज आज मैं तो गया मेरा, मैं तो इंतजार में करना, तुम आओ बंदे। ठीक है, तो ये आर ऑफ लैम्डा जो है ये क्या आ जाएगा, सी वन लैम्डा माइनस फाइव ई की पावर माइनस सी टू ओवर लैम्डा टी। ये भी जो वीन्स लॉ थी उसकी अदर फॉर्म है। ठीक है, इसको भी मैंने प्रूव कर, दूसरा भी फॉर्म भी कर दी, लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट।